सर मुझे शोरूम तो पसंद आ चुका है, ये शोरूम मैं ले लूंगा, आपको कितने पैसे देने अब ये बताओ। अरे भाई साहब ये शोरूम सिर्फ है 5 करोड़ रुपए का। क्या 5 करोड़? अरे भाई साहब आपके लिए कौन सा ज्यादा है, आप इतने अमीर हो, दे दो ना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, चल चिंचर इनकी फटाफट से पेमेंट कर दे। तो भाई साहब ये रहे आपके सारे सारे बैग, इसमें पूरे पूरे 5 करोड़ है, अब आपकी पेमेंट हो चुकी है और आप जा सकते हो, ये शोरूम हो चुका है मेरा। अपने शोरूम क्यों लिए? अरे भाई चिंचर कब तक अपन चोरी चक्कारी करेंगे यार, अपन ने शोरूम करेंगे और अपना बिजनेस करेंगे। अरे भाई साहब ठीक है ना, हमारी पेमेंट हो चुकी है, मैं चलता हूँ और ये शोरूम आपका हुआ, बाय बाय। तो गाइस सर ये रहा हमारा नया शोरूम जो कि मैंने अभी अभी खरीदा है, तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा शोरूम है, अभी आपको उसका पूरा टूर देने वाला हूँ। ये शोरूम मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम कब से यार फालतू काम करते रहते हैं, इधर उधर से चीजें करते रहते, अब वो हम करने वाले बंद, मतलब थोड़ी थोड़ी करेंगे पर ठीक है ना। तो ये हमारा शोरूम हो चुका है, अभी मैं इसको पूरा का टूर देता हूँ। यहाँ से हमारी एंट्रेंस है शोरूम की, तो अभी आपको दिखाता हूँ पूरा अंदर जाके, फुल स्पीड में हम जाएंगे। यहाँ पे हमारी जहाँ पे हम गाड़ियां खड़ी करने वाले, बहुत सारी कार, बहुत सारी बाइक, और यहाँ पे गैराज जहाँ पे सबकी गाड़ियां ठीक होगी। यहाँ पे सारी गाड़ियों का आइटम आइटम पड़ा है, जो भी इसी को भी ठीक कराना हो। और यहाँ पे एक पूल बना हुआ है छोटा सा, यहाँ पे मस्त व्यू आता है बीच का। और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा रूम भी बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो ये भाई साहब यहाँ पे आग सेक रहे हैं। और यहाँ पे भाई साहब जिनका पहले से शोरूम था उसको हम तोड़ देंगे उनकी मूर्ति को। और यहाँ पे एक बेडरूम भी है, और यहाँ पे हमारा कंप्यूटर टेबल है जहाँ पे हम मेरी वीडियोस देखते हैं, आप भी मेरी वीडियोस देखा करो। तो चलो शिनचैन से पूछते हैं उसको कैसा लगा। चलो ना पार्टी करने चलते हैं। अरे भाई शिनचैन अभी पार्टी करो ना करनी है, अभी शोरूम बस अपन ने लिया है, अपन को खोलना बाकी है। एनी फेकी में इसका मतलब क्या होता है? अरे भाई मतलब अपन को अपने शोरूम के लिए गाड़ियां चाहिए। एनी फेकी में तो मंगाया तो ना यार, अब वो मेरे पैसे तो ना इतने। एनी फेकी में फिर आप शोरूम किसे चलाओगे? अरे भाई चोरी चक्कारी करेंगे। एनी फेकी में आपने तो मना किया था ना। अरे वो तो कल से मना है ना, आज तो कर सकते हैं। चल बैठ अभी मेरे को कहीं जाना है। एनी फेकी में क्या चल रहा है यार? अरे भाई शिनचैन देखा अपन यार गाड़ी वाड़ी तो खरीद तो सकते नहीं, अपने में इतना दम है नहीं, तो हम चुराने वाले सबकी गाड़ियां और वो अपने शोरूम में बेचेंगे, मजा आएगा ना। एनी फेकी में इसमें क्या मजा आने वाला है? अरे वो तो देखो पता चली जाएगा क्या मजा आएगा। और हम कुछ अपने शोरूम में अलग अलग तरह की यार कार्स और बाइक्स रखने वाले, जो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी हम आ चुके पहली लोकेशन पे जहां से हमको एक बहुत ही बढ़िया वाली गाड़ी चुरानी, क्योंकि वो गाड़ी बनाई है यहाँ के साइंटिस्ट ने, उस गाड़ी को हम चुराने वाले हैं। उसने वो खुद के लिए बनाई पर हम उसको यहाँ से चुराने वाले हैं। मुझे पता चला है कि आज सारे साइंटिस्ट की छुट्टी है, तो हम यहाँ से आराम से चुरा सकते हैं और आराम से लैंड करते हैं। और अपनी हम KTM ड्यूक पे आ चुके उस जगह पे, बस ये शटर खुल जाए। और भाई खुल गया, मैंने उसके लॉक पे जैसे ही अपनी ठोकर मारी और सीधा खुल चुका है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर फटाफट से, यहाँ से हमको वो गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या चल रहा है ये? अबे ये क्या हो रहा है? ये आग वाग हो रही। भाई 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 भाई, अबे ये क्या है भाई? अबे क्या ही बाइक है ये? क्या हुआ? अबे ये ब्लास्ट कैसे हो गई? अबे ब्लास्ट हुई कि नहीं हुई? अबे इस गाड़ी में से आग कैसे निकल रही है? अरे पेट्रोल की टंकी में से निकल रही क्या? इसके अंदर बैठ के देखते हैं। अरे भाई ये क्या है? अबे ये क्या हो रहा है मेरे को? एनी फेकी भी क्या हो गया? अरे भाई मेरे ऊपर आग लग गई। एनी फेकी भागो भागो। अरे पर मुझे कुछ हो नहीं रहा। गाइस सर आप देख सकते हो यार पूरी गाड़ी पे आग लग रही है और मेरे पे भी आग लग गई है, पर मुझे कुछ असर ही नहीं हो रहा। अभी यहाँ से पहले बाहर चलते, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। भाई मेरे ऊपर पूरी आग लग चुकी है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। रुको उतर के दिखाता हूँ। अरे भाई मेरे तो सही में आग लग गई। अरे भाई उतर ही नहीं रही आग तो, पर मुझे कुछ फर्क हो नहीं रहा। तो गाइस सर मुझे लगता है किसी ने गोस्ट राइडर वाली यार बाइक बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें यार बैठते हमें आग लग जाती है पर हमें कुछ होता नहीं है। तो गाइस सर अब अपन चलते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ, इसको रखते हैं अपनी शोरूम में। तो यार अभी यार मेरी गाड़ी का थोड़ा पेट्रोल कम हो चुका है, तो पहले मैं जाने वाला हूँ पेट्रोल भरवाने, फिर हम जाएंगे। अरे यार ठोक दी मेरी गाड़ी। अरे भाई क्या ही गिरे यार। अरे इसको उठाना पड़ेगा। शिनचैन कुछ हुआ तो नहीं ना? ऐ नहीं फेंकी बे, कुछ नहीं हुआ। और रुचो मैं अभी रखता हूँ। एक सेकंड, ये क्या चीज है? अबे ये भाई क्या की क्या है? अरे भाई ये क्या है? अबे ये कैसी बाइक है? अबे तो बहुत ही खतरनाक बाइक है। शिनचैन अपन को अगली गाड़ी तो चुरानी, वो मुझे मिल चुकी है, तो एक काम कर, तो सीधे शोरूम के लिए निकल और मैं इस गाड़ी को चुरा के यहाँ से लेके आता हूँ। चलो उनकी बातें सुनते हैं। अरे भाई ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो यार वो जो बाइक है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही, तो हम उसको फटाफट से चुराने वाले। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, पहले हम ये वाली गाड़ी में बैठेंगे और उनको दिखाएंगे कि हम बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी है। और यहाँ से अपन चलते वापस अपनी गाड़ी को मुड़ाते हैं और फुल स्पीड में सीधा इनके अंदर मुंह में डालने वाले। 3, 2, 1 और ये निकलो यहाँ से। और इन दोनों को मैंने उड़ा दिया फटाफट से। अरे भाई वो कैसे उड़ते हुए जा रहे हैं? इसकी बाइक पे बैठते, इसकी चाबी तो लगी हुई है, निकलते हैं यहाँ से। अरे भाई साहब ये क्या बाइक बना रखी है इसने? अबे ये क्या ही बाइक है मतलब? अबे इसके अंदर गोलियां भी है। अरे भाई तो बहुत ही खतरनाक बाइक है, सोचो यार कितनी ज्यादा महंगी होगी। तो हमने ये वाली गाड़ी भी चुरा ली है और ये तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। तो अभी इसको लेके चलते अपने शोरूम पे। तो गाइस सर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो फटाफट जाके लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना। हम यार 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। और ये बताओ कब गाड़ी कैसी लगी।
A few moments later. तो गाइस अभी मैं यहाँ पे घूम रहा था और मुझे यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां दिखी और बहुत सारे लोग भी दिखे। ये पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे, चलो इनसे जाके पूछते हैं। अरे भाई साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे भैया जाओ यहाँ से, ये हमारा प्राइवेट एरिया है। हाँ रुको रुको जा रहा हूँ, मुझे लगता है ये गाड़ियों को डिलीवरी करते है। भाई साहब आप गाड़ियों को डिलीवरी करते हो, मेरे को डिलीवरी करानी थी। अरे हाँ भाई साहब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं समझ गया, ये कार डिलीवरी वाले, मुझे लगता है जो इनके पीछे कंटेनर है उसमें कोई तगड़ी सी गाड़ी खड़ी है, तभी इन्होंने पूरा कंटेनर रख रखा है, बाकी नॉर्मल गाड़ियां तो ऐसे ही रख रखी है। चलो पीछे से घूम के चलते हैं, चलो इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये वाले नॉर्मल गाड़ियां तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर देखना यहाँ पे क्या है। एक सेकंड, इसको चुपचाप से मारते निकल यहाँ से। तो अब इसको फटाफट से अंदर से खोलते और देखते हैं यहाँ पे क्या है। अरे भाई साहब रेसिंग कार, अरे भाई साहब क्या ही तगड़ी गाड़ी है यार ये। अरे भाई इसको यहाँ से फटाफट से निकालते, इस कंटेनर के अंदर इन्होंने छुपा रखी थी और ये मैंने गेट तोड़ दिए और हम यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। अरे इनको मैंने मार दिया भाई साहब, कितनी ज्यादा तेज चल रही है ये। अबे ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, चलो इसको लेके चलते अपने शोरूम पे। हमको एक कार भी मिल चुकी है, वो भी रेसिंग कार, मतलब फॉर्मूला 1 जैसी कार है भाई, बहुत तेज चल रही है। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके फटाफट से, यहाँ पे इसको अंदर डाल लेते हैं अपनी गाड़ी को, यहाँ पे अपन खड़ी करते और देखते हैं हमारे पास अब कौन कौन सी गाड़ी हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके, हमारे पास हो चुकी है 3 गाड़ी 4 गाड़ी, मतलब एक मेरी है। यहाँ पे एक अलग तरह की बाइक मिली थी और ये बाइक मतलब ये आग वाली बाइक मिली थी, कितनी खतरनाक है। और यहाँ पे हमारी ड्यूक खड़ी और ये हमें रेसिंग कार मिली थी। तो मैं इस गाड़ियां आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो मैं अगली गाड़ी चुराने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह पे, क्या पता मैं वापस आऊं नहीं आऊं। तो जी हाँ हम आ चुके एवेंजर्स हाउस में, शिनचैन को साथ में नहीं लेके आए क्योंकि यार मुझे यहाँ से कैसे भी करके भागना पड़ेगा, वरना कोई ना कोई एवेंजर हमें मार सकते हैं बहुत ही इजीली। पहले काम करता हूँ मेरी गाड़ी छुपा लेता हूँ, क्योंकि उनको यार उनको पता है मेरे पास ये वाली गाड़ी है, तो यहाँ पे अपनी गाड़ियां चुपचाप खड़ी करने वाले। और मुझे पता चला कि आयरन मैन के पास आई एक बहुत ही नई तगड़ी तगड़ी गाड़ी, तो आज हम उसको चुराने वाले और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर पता भी चल गया तो क्या कर सकते हैं, देखते क्या होता है। हमने अपनी यार यहाँ पे गाड़ी तो छुपा दी, फटाफट से चलते अंदर, यहाँ से इधर कूद के चलेंगे अंदर, क्योंकि आयरन मैन अपनी हर चीज यार अंदर ही रखता है अपने गैराज में। तो यहाँ से चलते पहले देखते हैं यहाँ पे कोई है तो नहीं ना, फटाफट से यहाँ पे चलते। मुझे वो बाइक दिख रही, आयरन मैन भी दिख गया है, और मुझे उसकी बाइक तो दिख गई पर आयरन मैन भी दिख चुका है। एक काम करते हैं चुपचाप से जाते ही उस तरफ देख रहे, गाड़ी में बैठ के यहाँ से फुर्र हो जाते, फटाफट से गाड़ी चालू करते है। कौन है यार? अरे उसको पता चल के भागो यहाँ से, जल्दी से निकलना पड़े। तो गाइस सर मेरे पीछे आयरन मैन आ रहा है भाई, वो देखो मेरे पीछे आ रहा है, मुझे फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसकी गाड़ी यार बहुत ज्यादा तेज है, मैं आराम से उसको पीछे छोड़ सकता हूँ, शायद उसका सूट ज्यादा तेज नहीं हो। अरे लग लग चला गया, अरे नहीं नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है बगल। अरे भाई उसने मेरे पीछे वाली गाड़ी को मार दिया भाई, क्या बचाऊ मैं, फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। आयरन मैन हमारे पीछे पड़ गया उसकी, क्योंकि हमने गाड़ी चला ली। चला गया क्या? अरे नहीं है, बीबी आ रहा है। अरे भाई छोड़ दे प्लीज यार, इसकी गाड़ी देखते बहुत ही तगड़ी है। और भाई क्या ही बग रही है, उसको तो मेरे बहुत पीछे छोड़ दिया, पर मुझे कहीं पर जाके छुपना होगा और मेरा शोरूम तो पीछे जा चुका। अगर मैं शोरूम में जाऊंगा तो मेरा पूरा का पूरा शोरूम तबाह कर देगा, लगता है मैंने बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ दिया। अरे भाई छोड़ दे प्लीज, अरे भाई इसने मेरे को गाड़ी से उतार उतार के मार रहा है, मैं क्या करूं भाई, क्या मारे जा रहा है इसको, मैं नहीं छोड़ूंगा ये लगी रेल। अरे भाई इसके पास तो बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें, मैं इसको मारने का मौका भी नहीं दे रहा। अरे भाई ये क्या मारे जा रहा है, अरे लगता है मैं यहीं पे मर जाऊंगा। अरे फिकी बैट टेंशन मत लो, मैं आपको बचाने आ गया हूँ, ये ले आयरन मैन, ये ले मिसाइल खाए, मेरे फैंकी भैया को मरेगा तेरे को नहीं छोड़ूंगा, ये ले एमएसएन। अरे भाई शिनचैन तूने उसको मार दिया। अरे है फिकी भैया मैंने मार दिया, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे हाँ भाई शिनचैन चलते हैं, भाई तूने मेरे को बचा लिया वरना मैं तो मर जाता भाई, उसकी गाड़ी चुराई थी मैंने। अरे चलो फैंकी भैया। तो गाइस सर हम लोग आ चुके अपने वापस से शोरूम पे, हमने सारी सारी यहाँ पे चारों गाड़ियां खड़ी कर दी जो कि बिल्कुल अलग अलग गाड़ी है, मतलब ये वाली ऐसी हम गाड़ियां बेचने वाले अपने शोरूम में जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, और भी हम ऐसी गाड़ियां बाद में ढूंढेंगे। तो गाइस सर आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो, आपको इन सब में से कौन सी सबसे तगड़ी गाड़ी लगी और हमारा शोरूम कैसा लगा फटाफट से कमेंट में बता देना। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन और फॉलो कर लो, वहां पे बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और गाइस सर मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।